हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बहुत प्यारा वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ, जो कि है 38 साइज ब्लाउज की कटिंग का। और ये हम जो है कटोरी कट ब्लाउज बनाएंगे, लेकिन हमें जो नाप का ब्लाउज मिला है उसमें कटोरी कट नहीं बना हुआ है। ये एक 4 टक्स वाला ब्लाउज है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 4 टक्स बने हुए हैं, लेकिन हमें कटोरी ब्लाउज बनाना है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे कस्टमर हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके पास चोली कट ब्लाउज नहीं होता और वो चोली कट ब्लाउज बनाना चाहते हैं या पहनना चाहते हैं। तो हमें इसे कैसे बनाना है, इसका आइडिया आज आपको मिल जाएगा कि जो 4 टक्स ब्लाउज है उसी के नाप से हम कटोरी वाला ब्लाउज कैसे बनाएं, यही मैं इस वीडियो में आज आपको बता रही हूँ। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी कुछ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सिलाई में छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप कुछ मिस कर जाएंगे तो आपको पूरी कटिंग अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो मैं आज कटिंग का पूरा वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सादे ब्लाउज के नाप से हम कटोरी वाला ब्लाउज कैसे बना सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लंबाई हमें रखनी है 15, लंबाई हमें रखनी है 15, तो हम इसमें 16 इंच लेंगे, जिससे तैयार होने के बाद ही हमारी 15 इंच पे तैयार आए। तो 16 इंच पे मैंने इस तरफ से निशान लगा लिया है और इस तरफ से भी निशान लगा लिया है। अब ये दोनों निशानों को मिला देना है, सीधी लाइन खींच देनी है, जिससे हमारे बैक पार्ट के लिए ये तैयार हो जाए। गला 2.5 लिया है, शोल्डर मैंने 5.25 लिया है, यहाँ से मैं ले लूँगी 5.5, सीधी लाइन खींच दूंगी और यहाँ से ले लूँगी मैं 6 और एक लाइन खींच दूंगी। ऊपर से हमने 2.5 लिया था, नीचे से मैंने यहाँ से 3.25 ले लिया है, क्योंकि थोड़ा सा हमें नीचे से ब्रॉड बनाना है गला। उसके बाद यहाँ से एक सीधी लाइन खींच दी है, गोलाई का शेप दे देंगे। तो ये गले की गोलाई का शेप मैंने दे दिया है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर हमारे शोल्डर जो आर्म होल का है वहाँ का शेप देंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे तकरीबन 1 इंच पे इंची टेप को रख लेंगे और यहाँ से एक निशान लगा लेंगे। 1 इंच पे मैं ये निशान लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ 3.5 पे और यहाँ की तरफ हम लगाएंगे हमारी फिटिंग का निशान जो है 9.5 पे। तो इन दोनों के बीच में हमें ये गोलाई शेप देना है हमारे आर्म होल का, इस तरीके से आराम आराम से, ताकि जो शेप है एकदम हमारा परफेक्ट आए, अच्छा है। और यहीं से इसको उधर मिला देंगे ऊपर की तरफ। तो देखिए, आर्म होल का शेप भी मैंने दे दिया है और ये 1 ही इंच पे दिया है, ज़्यादा हमें दूर नहीं करना है। और यहाँ से हमें नीचे की तरफ हल्का हल्का डाउन कर देना है, हल्का हल्का सा ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो ये हल्का सा मैंने नीचे की तरफ डाउन कर दिया है। अब यहाँ पर हमें लगाने हैं टक्स के निशान, तो ये मैं लगाऊंगी तकरीबन 4.5 पे और इसकी लंबाई भी हम तकरीबन 5 ले लेंगे, 5 या 4.5 ले सकते हैं। और यहाँ से सीधी लाइन खींच देंगे तो ये हमारे टक्स के निशान बन जाएंगे। और हम इसे देखिए बैक पार्ट पर भी लगा लेंगे निशान, तो ये हमारे टक्स के निशान हो गए। इसके बाद देखिए, कमर की तरफ से हम इसे 1/2 इंच ऊपर करेंगे। यहाँ से देखिए कमर की तरफ से तकरीबन थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेकर इसे टक्स के निशान से तिरछा, बिल्कुल तिरछा जो है लाइन, इस पर मिला देंगे टक्स के निशान से, ताकि जो हमारा कपड़ा है जब हम सिलाई करें तो ये नीचे की तरफ ना खसके। इसके लिए हमने यहाँ से जो 1/2 इंच ऊपर लेकर निशान पर लगा दिया है, इसे हम कट करके बाद में निकाल देंगे। पीछे का जो गले का ड्राफ्ट है पूरी तरीके से तैयार हो गया है, लेकिन अभी हम इसे कट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसी पर जो है आगे के फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर उसकी कटिंग करेंगे। आगे वाले फ्रंट पार्ट की लंबाई हम लेंगे तकरीबन 13, आगे का गला हम रखेंगे 7 इंच और यहाँ से हम 2.5 ही रखेंगे और यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे
और इसके बाद यहाँ से हम इसे गोलाई शेप दे देंगे थोड़ा सा। तो यहाँ से ये हमारा गोलाई शेप आ जाएगा हमारे, ये हमारा आगे के गले के लिए है और ये पीछे के गले के लिए है। तो ये देखिए मैंने ले लिया है और इसी पर ही आगे के गले की कर दी है। बाकी हमारे आर्म होल सेम रहेंगे, बस हम इसमें हाफ इंच यहाँ से जो है रखेंगे और हाफ इंच पे सिर्फ यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और हाफ इंच पे ही हम इन्हीं दोनों निशानों के बीच में इसमें गोलाई दे देंगे। यहाँ से गोलाई दे देंगे और इससे मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट और ये हमारा हो गया बैक पार्ट। कटोरी हम यहाँ रख रहे हैं 6.5 भी रख सकते हैं, 7.5 भी, और इसके थोड़ा सा और ऊपर भी हम यहाँ 7.5 पर ही एक निशान लगा लेंगे और इसे थोड़ा सा सीधा कर देंगे। तकरीबन ये हम 2.5 इंच तक इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे ऐसे। और इसके बाद ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इस पर हम रखेंगे इंची टेप और यहाँ से जो है तकरीबन 2.75 पे या 3 इंच पे, देखिए 2.75 पे लगा लेती हूँ मैं निशान, 2.75 पे निशान लगा लिया है। इसके बाद गले की तरफ से यहाँ पर हम रखेंगे तकरीबन 5 इंच पे और यहाँ से लेते हुए हम इन इसको इसको और इस निशान को मिला देंगे। हल्के हाथ से मिलाना है हमें, इस तरीके से कटोरी का शेप देना है। तो ये हमारा कटोरी का शेप बन जाएगा हमारे फ्रंट वाले पार्ट के लिए। 4.25 पर हम निशान लगा लेंगे इसके बीच के सेंटर का और यहाँ से हम जो है तकरीबन 1.5 इंच ऊपर, 1.5 इंच ऊपर यहाँ से हम एक निशान लगा लेंगे जो हमारे टक्स का होगा। ये हमने लगा लिया है थोड़ा 1 इंच ऊपर निशान और यहाँ से इसको हल्की सी गोलाई शेप दे देंगे और इस निशान से मिला देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा कटोरी का शेप और ये हमारा तीरे का निशान हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये हमारा तीरा हो जाएगा और ये हमारा जो है कटोरी का शेप आ जाएगा। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग पूरी हो गई है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हम सिर्फ देखिए बैक पार्ट पर ही हमने आगे के फ्रंट पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग कर ली है, लेकिन अभी हम जो है ये पूरी ड्राफ्टिंग नहीं काटेंगे, सिर्फ बैक पार्ट की जो ड्राफ्टिंग है वो हमें काटनी है। तो हम बैक पार्ट की जो भी ड्राफ्टिंग है उसको काट लेते हैं। बताया था कि गला भी हम कट नहीं करेंगे, ये हमारे इसमें जो है आगे की पार्ट की ड्राफ्टिंग है, तो इसी को हम रखकर जो है इसमें ड्राफ्ट करेंगे सबसे पहले। तो इसको हम खोल लेंगे इस तरीके से, ऐसे रख लेना है हमें खुले पार्ट की तरफ और बस हमें कुछ नहीं करना है। देखिए इस पे ये ड्राफ्टिंग वगैरह है तो हमें बिल्कुल हल्के हाथ से इसको इस तरीके से कर देना है जिससे जो इसकी ड्राफ्टिंग है वो हमारी नीचे आ जाए। तो देखिए नीचे हमारी ड्राफ्टिंग अच्छी तरीके से आ चुकी है। तो ये ड्राफ्टिंग हमारी पूरी आ चुकी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और जो है चौक से गाढ़ा कर देती हूँ जिससे अच्छे से आपको समझ में आए। तो ये हमारे आगे की ड्राफ्टिंग हो गई है एकदम कंप्लीट, तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे एक पार्ट की इस वाले की कटिंग हो चुकी है, अब हमें एक कटोरी वाली साइज की कटिंग करनी है। तो इसकी भी कटिंग हम ड्राफ्टिंग करके कैसे करेंगे, ये फ्रेंड्स जो कटोरी है उसके लिए हमें ओरेप साइड लेनी है। देखिए इस तरीके से आप चेक कर लीजिए कि आपका जो कपड़ा है इस तरीके से खींचना चाहिए और इस तरह से कपड़े पर ही हमें जो हमारी ये कटोरी का शेप है इसको इस तरीके से रख लेना है। तिरछा बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट करते हुए रखिए, बस अब हमें कुछ नहीं करना। अब हमें जो है जो भी हमारे ये निशान लगे हुए हैं इन पर हमें सेम उसी तरीके से जो है थपथपा देना है। देखिए फ्रेंड्स ये पीछे जो है हमारा बिल्कुल शेप आ चुका है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं अभी इसको जो है डार्क करके आपको बताती हूँ। तो ये हमने कटोरी का जो इसमें ड्राफ्टिंग बनी हुई थी सेम वही ड्राफ्टिंग इस पे ड्रॉ कर ली है, लेकिन इस कटोरी पे हम कटिंग नहीं करेंगे, इसको अभी हमें थोड़ा सा बढ़ाना है। तो हम इस तरफ से ले लेंगे तकरीबन 1 इंच, 1.5 इंच ले लेंगे हम इस तरफ से, 1.5 इंच ही हम इस तरफ से ले लेंगे हमारे मार्जिन सहित 1.5 इंच बढ़ा लेंगे
एक या डेढ़ इंच बढ़ा लेंगे इसको। तो ये नीचे की तरफ से देखिए, मैंने यहाँ से डेढ़ इंच बढ़ा लिया है। ये हमारा, तो नीचे की तरफ से मैंने तकरीबन डेढ़ इंच ये बढ़ा लिया है कटोरी का साइज। और इसको मैं थोड़ा सा एक लाइन खींच दूंगी इस तरीके से। और गले की तरफ से हमें ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, हमें बस यहाँ से हल्का सा बढ़ाते हुए तिरछा ले लेना है इस तरीके से। और लंबाई हमें उतनी ही रखनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, जितनी यहाँ पर लंबाई थी उतनी ही लंबाई लेनी है। और यहाँ से हमें हल्का हल्का मार्जिन, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर तिरछा ला के इसको मिला देना है। और यहाँ से हम जो है हाफ इंच का, जो है हाफ इंच की दूरी से जितनी भी आपको मार्जिन रखना है वहाँ की दूरी से इसको धीरे धीरे साइड में लेते हुए जो हमने ये लगाया है निशान यहाँ पर इसको मिला देंगे। तो देखिए ये निशान हमने यहाँ पर मिला दिया है। और इसको हमें जो है थोड़ा सा लंबा ही रखना है, छोटा ना है। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर लगाएंगे हमारे टक्स के निशान। अब यहाँ से हमें ये टक्स का तिरछा शेप लगाना है इस तरीके से। और इस तरफ से भी हम, ये हमारा जो है एकदम तैयार टक्स का जो निशान है वो आ चुका है। अब हम यहाँ पर इसको मिला देंगे इस निशान से, और यहाँ पर जो है इस निशान से इसको मिला देंगे। तो देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो टक्स के निशान है यहाँ पर हम इस तरीके से जो है टक्स लगा देंगे। पहले हम कपड़े को एक सा कर लेंगे इस तरीके से, और ये जो हमारी बेल्ट की जो ड्राफ्टिंग है इसी को हम इसके ऊपर रख लेंगे। यहाँ से नीचे से हमें जो है थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना है। तो नीचे से देखिए मैंने हाफ हाफ इंच का यहाँ से इस तरीके से मार्जिन छोड़ दिया है नीचे से। और यहाँ पे रख के जो है इसकी हम बिल्कुल सेम टू सेम ड्राफ्टिंग उठा लेंगे। और बस हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये हमारी ड्राफ्टिंग आ गई है। और इसमें हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए, क्योंकि हम सिलाई भी करेंगे तो मार्जिन छोड़ते हुए हमें देखिए इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो बस अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बेल्ट की भी कटिंग हो चुकी है, हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से, कितनी जल्दी हमारी जो है सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो बहुत ही झटपट आपकी सारी कटिंग हो जाएगी। और आप तो इस तरीके से हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। और देखते रहिए निर्मला फैशन वर्ल्ड।